हेलो फ्रेंड्स, मैं जगमाल स्वामी आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग एकेडमी में। ठीक है दोस्तों, आज अपन जानते हैं आयरन डेफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जानने से पहले अपन को जानना ये जरूरी है कि एनीमिया क्या होता है। ठीक है, एनीमिया एनीमिया ठीक है, एनीमिया इज ए कंडीशन। इसके अंदर क्या होता है, आरबीसी नंबर ऑफ आरबीसी कम हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, यानी कि ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो एनीमिया इज ए कंडीशन इन विच नंबर ऑफ आरबीसी लेस देन नॉर्मल। ठीक है, जब नंबर ऑफ आरबीसी कम होगा तो उससे क्या होगा, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, तो इससे क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ये होगी जनरल डेफिनेशन ऑफ एनीमिया। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, तो WHO क्या कहता है, WHO कहता है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ट्रेसन लेस देन टू स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द less than to standard deviation from the normal। ठीक है, और for same sex या gender। ठीक है, and same एज। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, तो आगे अपन बात करते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी की एनीमिया नाम से ही पता चल रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ठीक है, तो क्या होता है, ए स्टेट इन विच इनसफिशियंट आयरन insufficient iron available
अवेलेबल फॉर टू मेंटेन टू मेंटेन नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ आयरन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसका हो गया कि आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि इनसफिशिएंट आयरन अवेलेबल रहता है फॉर द मेंटेनिंग ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ आयरन। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अपन बात करते हैं कि अब होता है क्या है इसकी डेफिशिएंट इटियोलॉजी। इटियोलॉजी से पहले एक बात हो रहा है, ये मेनली इसका इंसिडेंस कौन सी एज फैक्टर है या फिर, ठीक है, तो ये मेनली होता है, इट मेनली अकर 6 months to 3 years of age। ठीक है दोस्तों, अब इसी एज के अंदर ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से इसी एज के अंदर इसका ज्यादा इंसिडेंस है, तो ठीक है, तो इस एज में क्या होता है, आफ्टर द सिक्स मंथ ऑफ फर्स्ट 6 months तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग, यानी नो वीनिंग, नो एक्सटर्नल फूड, है ना, और 6-6 महीने के बाद में अपने वीनिंग स्टार्ट करते हैं। वीनिंग क्या होता है, एक्सटर्नल फ्लूड फ्रॉम एक्सटर्नल फूड। ठीक है, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है लेस आयरन कंटेंट इन डाइट, या अपन कह सकते हैं वीनिंग। ठीक है, वीनिंग लेस, ठीक है, ये हो गया अपना इसका इंसिडेंस की मेनली है 6 months to 3 years of एज। इस एज में क्या होता है, जो बेबी होता है या टोडलर होता है, ठीक है, तो ऐसी चीजों को खाना पसंद नहीं करता जो कि कंटेंट है आयरन के, ये इसका मुख्य रीजन है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी। ठीक है, इटियोलॉजी अगर इटियोलॉजी की मैं बात करूं तो इसकी सिर्फ एक ही इटियोलॉजी है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ठीक है, इटियोलॉजी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ठीक है, आप कहेंगे सर आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया कैसे होगा। ठीक है, आयरन एंड प्रोटोफायरिन मिलकर क्या बनाते हैं, हीम। ठीक है, हीम, ठीक है, और हीमोग्लोबिन से मिलकर बनाता है हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन से बनता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीम बनता है आयरन प्लस प्रोटोपायरिन। ठीक है, इनसे तो ये होगी इसकी इटियोलॉजी, तो एक ही है इसकी, और इसके रिस्पेक्ट बहुत सारे हैं जिनके अभी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट रिस्क फैक्टर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर अपन ले सकते हैं इसका
इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ आयरन। डिमांड ऑफ आयरन, ठीक है दोस्तों। मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ाने से पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि इसकी डिमांड कहाँ कहाँ होती है, यानी कि ये आयरन कहाँ कहाँ काम में आते हैं आयरन, ठीक है। तो इसका फर्स्ट फंक्शन होता है डीएनए सिंथेसिस, यानी कि ये डीएनए बनाता है। नेक्स्ट अपन बात करें हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। अभी अपन ने जाना है कि हीमोग्लोबिन से आयरन से हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इसका फ्लेविन सिंथेसिस। फ्लेविन सिंथेसिस, ये इसकी होगी मेटाबॉलिक, इनकी डिमांड कहाँ कहाँ होती है आयरन की, ठीक है। तो इनमें से किसी एक की भी डिमांड बढ़ जाती है तो दूसरे की अफेक्ट होती है, ठीक है। यानी एक की डिमांड बढ़ी तो दूसरे की घटी, तो दूसरे में कमी होगी आयरन की, तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें लेस डाइट्री इंटेक ऑफ आयरन, यानी डाइट में ही आयरन कम आएगा ले रहा है, ठीक है। तो जब डाइट में ही आयरन कम ले रहा है तो आयरन एब्जॉर्ब कम हो पाएगा, एब्जॉर्ब होने के लिए कम अवेलेबल है तो कमी होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ब्लड में कम आएगा, ठीक है, ब्लड में कमाएगा तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट रिस्क फैक्टर लेते हैं माल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ठीक है। माल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन माल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ठीक है दोस्तों। तो एब्जॉर्प्शन जानने से पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि एब्जॉर्प्शन होता कहाँ है आयरन का, ठीक है। एब्जॉर्प्शन साइट होती है इसकी प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि डियोडिनम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन साइट प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ड्यूओडेनम, ड्यूओडेनम, ठीक है दोस्तों। जब आयरन का माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि कम एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब कम हो रहा है तो ब्लड में कम आएगा, डिक्रीज आयरन इन ब्लड, ठीक है। जब ब्लड में कम आएगा तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है दोस्तों। यह हो गया अपने थर्ड। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, नेक्स्ट रिस्क फैक्टर लेते हैं अपना प्रीटर्म बेबी, ठीक है दोस्तों। प्री टर्म बेबी, जो बेबी फुल टर्म पे जन्म होता है, यानी 9 मंथ पे, उसके अंदर आयरन स्टोर होता है
250 mg, 250 mg स्टोर एट लीवर, ठीक है। एट बर्थ यानी फुल टर्म, फुल टर्म पे आयरन तो उसके अंदर होता है 250 mg आयरन, आयरन स्टोर इन लीवर। दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनता है कि आयर फिटस के अंदर आयरन कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, तो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, लीवर में, ठीक है। तो 250 mg को जमा करने के लिए, स्टोर करने के लिए बेबी को लगा 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ फॉर 250 mg। और बात करते हैं हम प्रीटर्म, प्रीटर्म 7 मंथ, ठीक है, 7 मंथ पे बेबी बोर्न हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि कम ही स्टोर होगा, ठीक है, तो 150 mg, ठीक है, स्टोर इन लीवर, ठीक है। दोस्तों जब जो 250 mg स्टोर होता है लीवर के अंदर, ये होता है 6 मंथ के लिए, नहीं ये 6 मंथ के लिए सफिशियंट है आफ्टर द बर्थ, ठीक है। अब बात आ रही है प्रीटर्म, प्रीटर्म में हो रहा है 150, 150 इज नॉट सफिशियंट फॉर 6 मंथ, यानी कि 6 महीने तक बेबी को आयरन मिल नहीं रहा, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क से, और वीनिंग दे नहीं सकते अपन 6 मंथ से पहले। तो जब 6 मंथ के लिए 250 mg और अपने पास है सिर्फ 150, तो जाहिर सी बात है आयरन की डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ऑफ आयरन बिकॉज वन फिफ्टी एम जी इज नॉट सफिशियंट फॉर 6 मंथ, ठीक है। ये हो गया अपना, अब फोर्थ वन लेते हैं, फिफ्थ वन सॉरी, मैटरनल एनीमिया, मैटरनल एनीमिया। मैटरनल एनीमिया में क्या हो रहा है, यानी माँ को पहले से ही एनीमिया है, ठीक है, पहले से ही आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आयरन जो 250 mg आता है वाया प्लेसेंटा आता है, और जब माँ के पास ही नहीं है तो आएगा कहाँ से, तो मैटरनल एनीमिया से क्या हो रहा है, जो बेबी को सप्लाई हो रही है वो इफेक्ट हो गया, सप्लाई इफेक्ट, ठीक है। दोस्तों ये हो गए अपने 5 रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन ट्विन प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी, ठीक है, 6 वन ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक मदर, ठीक है, दो बेबी, जब भी तो ट्विन प्रेगनेंसी, ठीक है, एक केस देखते हैं हम, फर्स्ट एक मदर है और एक ही प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एंड दो टू फिटस, जब भी ट्विन प्रेगनेंसी फिटस दो, ठीक है। अब प्लेसेंटा से जो आयरन आ रहा है उस वो आ सकता है 9 मंथ के अंदर 250 mg, ठीक है, 250 mg आ रहा है,
और 250 mg 2 फीटस में जाएगा तो 125 mg ऑफ ईच फीटस इन ईच फीटस, ठीक है 125 mg इन ईच फीटस, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड केस आता है कि मदर तो जाहिर सी है कि एक ही होगी, प्लेसेंटा दो है, प्लेसेंटा दो और फीटस भी दो ही होंगे, फीटस वन एंड फीटस टू, ठीक है। मदर अब जाहिर सी बात है कि पहले प्लेसेंटा से अपने फर्स्ट केस में 250 mg आ रहा था, अब सर आप कहेंगे प्लेसेंटा तो दो हो गई तो 250 mg दोनों से आना चाहिए, दोनों से क्रॉस करना चाहिए तो दोनों के पास सफिशियंट होना चाहिए, ठीक है ये सर है कि आएगा, लेकिन माँ के पास तो सफिशियंट ही है, माँ तो सफिशियंट आयरन ही दे सकती है, ठीक है। माँ के पास 250 mg है तो प्लेस ईच प्लेसेंटा में 150 150, फिटस के पास दोनों के पास 125 mg आएगी तो दोनों में 125 125 हो गया, ठीक है ये हो गया ट्विन प्रेगनेंसी में होता है, ठीक है। भाई जब प्लेसेंटा दो होती है तो प्लेसेंटा से तो जा सकता है लेकिन माँ के पास तो फिक्स आयरन है, इसलिए ट्विन प्रेगनेंसी से दो प्लेसेंटा होने पर भी आयरन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पर बात करते हैं वॉर्म इन्फेस्टेशन, वॉर्म इन्फेस्टेशन, वॉर्म इन्फेस्टेशन जानने से पहले इसके बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि वॉर्म इन्फेस्टेशन क्या होता है। इनको अपन देसी भाषा में बोलते हैं पेट में कीड़े पड़ जाना। अब आप कहेंगे सर कि वॉर्म इन्फेस्टेशन से आयरन की एब्जॉर्प्शन कैसे कम होएगा या फिर आयरन की डेफिशिएंसी कैसे कम होगी, ठीक है। तो ये वॉर्म क्या करते हैं, जो आयरन होता है ये खुद के लिए खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। वॉर्म वॉर्म एब्जॉर्ब द आयरन, द आयरन फॉर सेल्फ, फॉर सेल्फ जब ये खुद के लिए एब्जॉर्ब करेंगे तो बॉडी के एब्जॉर्ब होने के लिए कम मिलेगा, भाई बॉडी को एब्जॉर्ब होने के लिए कम मिलेगा तो कम एब्जॉर्ब होएगा, ठीक है। ब्लड के अंदर कम होएगा आयरन तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है। इससे क्या होएगा डिक्रीज आयरन इन ब्लड, जिससे क्या होगी आयरन डेफिशिएंसी आयरन, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग एंड डिले वीनिंग, ठीक है दोस्तों। प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग एंड डिले वीनिंग, डिले वीनिंग का मतलब यानी एक्सटर्नल फूड डिले देना यानी लेट देरी से देना, ठीक है। अब प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग से कैसे होगा, अपन ने अभी बात की थी कि प्रीटर्म के अंदर कि फीटस के अंदर 250 mg होता है, लीवर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। कितने महीने के लिए होता है फॉर 6 मंथ। जब प्रलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे यानी लंबी ब्रेस्ट फीडिंग यानी आफ्टर द 6 मंथ ऑफ कंटिन्यू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तो उससे क्या होगा आयरन
आर्यन नॉट प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क माँ के दूध में आयरन नहीं होता, ठीक है। जब ब्रेस्ट में नहीं होएगा तो कहाँ से आते हैं, तो जो इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर स्टोर किया था लीवर के अंदर 250 mg वो आते हैं। तो अपना क्या कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग। तो नो आयर ब्रेस्ट मिल्क के अंदर आयरन है नहीं, तो वो था वो 6 मंथ में खत्म हो गया, ठीक है। जिससे क्या होगा, आयरन की कमी यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं अपन डिले विनिंग। अब 6 मंथ के लिए तो आयरन मिलता है लीवर से जो भी स्टोर होता है, पर 6 मंथ बाद वीनिंग से मिलता है यानी डाइट से। और अपन डाइट क्या कर रहे हैं, डिले, ठीक है। जब डिले डाइट देंगे तो जाहिर सी है बात है कि कम होगा आयरन, आयरन था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया अपना डिले वीनिंग। अपना नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये हो गया अपने रिस्क फैक्टर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया अपने रिस्क फैक्टर। पर नेक्स्ट बात करते हैं अपन असेसमेंट, असेसमेंट। असेसमेंट में दोस्तों अपन बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स एंड हिस्ट्री। तो अपन उसकी बेबी की हिस्ट्री देखेंगे, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री अपन क्या क्या हिस्ट्री लेंगे, मदर्स जाए और हिस्ट्री किससे लेंगे, मदर से। बेबी तो बोल नहीं सकेगा, तो बेबी तो उससे तो ले नहीं सकते, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन हिस्ट्री ऑफ वीनिंग, हिस्ट्री ऑफ ठीक है। विनिंग में अपन क्या करेंगे, विनिंग में अपन आस्क टू मदर अबाउट सोर्स ऑफ आयरन, कंटेंट ऑफ आयरन, यानी माँ से पूछेंगे कि आप विनिंग्स में क्या दे रहे हो, ठीक है, आयरन के दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ठीक है। और आयरन का मोस्ट कॉमन कंटेंट होता है जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। और नेक्स्ट हिस्ट्री है हिस्ट्री ऑफ पीका। पीका क्या होता है, इसके अंदर में भी एबनॉर्मल चीजें खाने लग जाता है, जैसे सोइल मिट्टी, ठीक है, चौक, ऐसी चीजें खाने लग जाता है। और पीका इंडिकेटर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, क्या है इंडिकेटर ऑफ, या फिर अपन यू कह सकते हैं इट इंडिकेट टू आयरन डेफिशिएंसी, इट इंडिकेट टू आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है दोस्तों। इट इंडिकेट टू आयरन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट अपने स्त्री लेंगे लेड पॉइजनिंग,
ठीक है। लेड पॉइजनिंग के बारे में क्या, लेड पॉइजनिंग क्या करती है, लेड वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट आयरन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, आयरन एब्जॉर्प्शन, ठीक है दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ वॉर्म इन्फेस्टेशन, ऑफ वॉर्म इन्फेस्टेशन, ठीक है, इसके बारे में अपन मदर से पूछेंगे कि स्टूल के अंदर कोई भी वॉर्म, कोई भी एबनॉर्मलिटी आपको मिल रही है वॉर्म लाइक, ठीक है, ये अपन किससे पता करेंगे, मदर से, ठीक है दोस्तों। अपन दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी क्लिनिकल फीचर्स की, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपन अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स अपने को देखने के मिलेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। तो फर्स्ट अपने को देखने को मिलेगा रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस क्यों होएगा, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, लैक ऑफ, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया, यानी डिक्रीज ऑक्सीजन, डिक्रीज ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया का फर्स्ट साइन आता है इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस। सेकेंड वन अपन बात करते हैं, सेकेंड क्लिनिकल फीचर्स है वो इजी फैटिग, इजी फैटिग यानी बेबी है वो जल्दी थक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं एनोरेक्जिया, ठीक है, एनोरेक्जिया, और नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है टेकिकार्डिया। अब आप कहेंगे सर टेकिकार्डिया क्यों है, टेकिकार्डिया, ठीक है, टेकिकार्डिया भाई ऑक्सीजन कम आ रहा है, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई से क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया का कंपनसेटरी मैकेनिज्म है टेकिकार्डिया, कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ हाइपोक्सिया, कंपनसेटरी मैकेनिज्म, ठीक है दोस्तों, इस वजह से हो रहा है टेकिकार्डिया। और नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर आता है अपना इस्केमिया, इस्केमिया, इस्केमिया में क्या हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर अपन यू कह सकते हैं इस्केमिया क्यों हो रहा है, ड्यू टू हाइपोक्सिया की वजह से हो रहा है, ड्यू टू हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब इस्केमिया में क्या हो रहा है, फिर हार्ट का वर्कलोड बढ़ रहा है, ठीक है, कि भाई ऑक्सीजन कम आ रही है तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म टेकिकार्डिया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज हार्ट वर्क, इंक्रीज हार्ट वर्क विदाउट ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स, विदाउट ऑक्सीजन या अपन कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, जब एक सीधी सी बात है, जब खाना मिल नहीं रहा और बिना खाने के काम कर रहा है तो फेल ही हो रहा है, तो इससे क्या होता है, हार्ट फेलियर,
हार्ट फेलियर, ऐसे होता है स्टेमिंग से हार्ट फेल, ठीक है, या अपने यू कह सकते हैं आयरन डिफिशियंसी में एनीमिया में भी हार्ट फेल हो सकता है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है स्प्लीनोमेगली, ठीक है, स्प्लीनोमेगली। नेक्स्ट है स्प्लीनोमेगली, ठीक है दोस्तों। सर पहले तो मैं बता देता हूँ स्प्लीनोमेगली क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन साइज, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन साइज, यहाँ पर यू कैन से स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है। स्प्लीन की साइज क्यों बढ़ेगी भाई, आयरन ऑक्सीजन कम है, ठीक है, जब ऑक्सीजन कम है हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, डिक्रीज हीमोग्लोबिन की वजह से क्या हो रहा है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन, आरबीसी डिस्ट्रक्शन, ठीक है दोस्तों, आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, आरबीसी कहाँ आएगी, स्प्लीन के अंदर, डिस्ट्रक्टेड आरबीसी कम्स इन स्प्लीन, ठीक है, डिस्ट्रक्टेड आरबीसी गोज या कम्स इन स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर आके जमा हो जाएगी, ठीक है, तो अब जमा होगी आरबीसी तो क्या होगा भाई, स्प्लीन की जाहिर सी बात है स्प्लीन की साइज बढ़ेगी, ठीक है, तो अपन कह सकते हैं स्प्लीनोमेगली, ठीक है दोस्तों, ऐसे हो गया स्प्लीनोमेगली। नेक्स्ट प्रश्न में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर एंगुलर स्टेमेटाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ठीक है, एंगुलर स्टेमेटाइटिस क्या होता है, इंफ्लामेशन ऑफ ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, यानी मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन का इंफ्लामेशन हो गया, ठीक है ये हो गया एंगुलर स्टेमेटाइटिस, एंगुलर स्टेमेटाइटिस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं ग्लोसाइटिस, ठीक है, ग्लोसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, टंग है ना, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कोलिनेचिया क्या होता है, स्पून शेप नेल, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्लेटोनेचिया, ये क्या होता है, प्लेटोनेचिया ब्रॉड फ्लैट नेल्स, और कोलिनेचिया होता है स्पून शेप नेल्स, यानी चम्मच के आकार के नाखून या नेल्स,
ठीक है, ब्रॉड फ्लैट, ब्रॉड फ्लैट नेल्स, ठीक है दोस्तों। ये आयरन की कमी से तो नहीं हो रहे, पर ये किसकी वजह से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं ड्यू टू विटामिन बी टू। इट अकर ये चारों की चारों एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, कोलिनाइचिया, रेटिनाइचिया, ये किसकी कमी से हो रहे हैं? विटामिन बी टू की कमी से। इट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी टू, ये विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी से, ठीक है। और अब आप कहेंगे कि सर विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी कहाँ से हो रही है? आयरन के डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। तो याद करो कि फ्लेविन का मैंने आयरन का जो मेटाबॉलिज्म बताया था उसके अंदर बताया था आयरन नीड फॉर फ्लेविन सिंथेसिस, ठीक है। और जब फ्लेविन और बी टू को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन, ठीक है भाई। राइबोफ्लेविन ये क्यों हो रहा है? विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? बिकॉज आयरन नीड फॉर फ्लेविन सिंथेसिस, और फ्लेविन क्या होता है? विटामिन बी टू। फ्लेविन सिंथेसिस, ठीक है दोस्तों। ये चारों की अपन ने बात की, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, कोलिनाइचिया एंड रेटिनाइचिया, ये किसकी कमी से हो रहा है? इट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी टू। और विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी कहाँ से हो रही है? फ्लेविन सिंथेसिस यानी आयरन की कमी से, ठीक है। तो दोस्तों क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है, और अपना इसका रिमेनिंग पार्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट अपन अपनी नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। और जल्दी आपको इसका पार्ट टू प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर